बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों ताबड़तोड़ उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन सूबे में बाढ़ की स्थिति और कोरोना संक्रमण को रोकने में फिसड्डी बिहार सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है। अब नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में भी सरकार के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना का पोल भी अब खुलना शुरू हो गया है। सहरसा जिले के सोनबरसा राज प्रखंड अंतर्गत लगमा पंचायत के डुमरा गांव वार्ड नंबर 1 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल योजना के तहत लाखों की लागत से संवेदक के द्वारा बनाया गया जल मीनार महज कुछ दिनों में टूटकर धराशायी हो गया, जिस कारण सरकार के काम करने के तरीके और गुणवत्ता पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जल मीनार के टूटकर धराशाही होने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर विपक्षी दलों की राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होती दिख रही है। वहीं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवेंद्र कुमार जीशु ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई का जमकर दुरुपयोग नीतीश सरकार और इसके अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। जल मीनार माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास को दर्शाता है कि इनकी विकास किस तरह से बिहार में हो रही है, और आज जो ये करोड़ों की लागत से बने जल मीनार ध्वस्त हुआ है, इसका हम प्रशासन से मांग करते हैं इसका जांच हो और जो भी इसमें संलिप्त हैं उस पर कार्रवाई करने की कृपा करें। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार की जो भी योजनाएं हैं सब जनता को ठगने की योजना है। दरअसल कोसी के इलाके में नीतीश सरकार के विकास के काम सिर्फ दिखावे के ही हैं। विपक्ष की सरकार ने चुनाव जीतने के बाद कुर्सी लेकर हर बार भोली भाली जनता को बिसरा देने का काम किया है। सिर्फ नल जल योजना ही नहीं, बिहार सरकार के द्वारा कार्यान्वित बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो जमीनी स्तर पर फिसड्डी साबित हो रही है।